बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इस चैप्टर के अंदर हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी वो चार्ज से रेलिवेंट होगी, और चार्ज क्या होगा? रेस्ट पोजीशन में होगा। फर्दर थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा चार्ज के बारे में डिस्कस कर लें। चार्ज क्या चीज़ है जी? व्हाट इज चार्ज? चार्ज बेसिकली हमारे पास इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। मतलब जिन चीज़ों से मिलके हमारा एटम बना हुआ है उन चीज़ों की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास? चार्ज। सब फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन हमारा क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये तो था हमारा टॉपिक से रेलिवेंट कुछ डाटा जो हमने अभी तक एक्सप्लेन किया। बाकी फर्दर अभी हम अपने जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेन टॉपिक हमारा जो इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो क्या है जी? कूलम्स लॉ। जो हमारा मेन टॉपिक होगा जो इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो है हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है जी हमारे पास? द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दो पार्ट्स हमारे पास इस डेफिनेशन के अंदर बन रहे हैं कूलम्स लॉ की। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं किस चीज़ के साथ? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के साथ, उनके प्रोडक्ट के, और सेकंड में डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम कह रहे हैं जी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। लेट्स सपोज हमारे पास कोई से दो चार्जेस हैं क्यू वन और ये हमारे पास आ गया क्यू टू। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आ गया वो हमारे पास आ गया r। इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो q1 चार्ज 1 का मैग्नीट्यूड, q2 चार्ज 2 का मैग्नीट्यूड। फिर इनके प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा जी? q1 और q2। बात कर रहे थे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो हम कह सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1 एंड q2। सिमिलरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये जो डिस्टेंस है हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर के बाद इसको इनवर्स रिलेशन में लेके जाएंगे उस फोर्स के। तो हम कह सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर स्क्वायर। एक रिलेशन हमारे पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन एंड क्यू टू, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर स्क्वायर। कंबाइन इफेक्ट क्या आ जाएगा इनका? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। ये तो हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन बना ली, हमारे पास इक्वेशन वन बोल देते हैं इसे। इक्वेशन वन के अंदर हमारे पास क्या है जी? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वालिटी के अंदर चेंज करेंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। ये के हमारा कांस्टेंट आ गया प्रोपोर्शनैलिटी को जब हमने इक्वालिटी के अंदर चेंज किया तब। अब क्या करेंगे जी? के की वैल्यू क्या है जी? के हमारे पास बेसिकली कांस्टेंट है किस चीज़ के इक्वल? वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ये पूरी इक्वेशन एक कांस्टेंट है। फोर भी कांस्टेंट,
पाई भी कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है हमारे पास किस चीज़ का? बेसिकली ये जो दो हमने चार्ज रखे हुए हैं इनके दरमियान जो फ्री स्पेस है उस फ्री स्पेस की परमिटिविटी आ गई हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या आएगी जी? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10^-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, के इज इक्वल टू 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास कांस्टेंट के की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर हम इस इक्वेशन को देखें इसके अंदर के की वैल्यू तो ये आ गई, ये हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ गया। बट ये जो पूरी इक्वेशन हमें क्या शो करवा रही है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है फोर्स की। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, हमें एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। डेफिनेशन के अंदर एक और चीज हमें थोड़ी सी अननोन लगी थी, वो था क्या, पॉइंट चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे थे। पॉइंट चार्ज क्या होता है? अब बेसिकली हम बात करेंगे डेफिनेशन की पॉइंट चार्ज की, तो क्या आएगा हमारे पास, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू द साइज ऑफ द चार्ज देन द चार्ज विल एक्ट एज ए यूनिट चार्ज। या फिर इसके अगर हम लाइव एग्जाम्पल देखें, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट को अगर हम बहुत ज़्यादा जूम करके देखें तो क्या होगा, वो बहुत बड़ा सा सोर्स हमें नज़र आएगा। जैसे ही हम जूम आउट करते जाएंगे या फिर अवे फ्रॉम द सोर्स मूव करते जाएंगे तो क्या होगा, वो जो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लाइट हमें नज़र आ रहा था वो फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता छोटा होना शुरू हो जाए। किसी एक खास डिस्टेंस पे जाके क्या होगा, वो जस्ट लाइक ए डॉट हमें शो होना शुरू होगा। जब वो डॉट सोर्स ऑफ लाइट हमें शो होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, हम उसे एज ए यूनिट चार्ज एक्ट के तौर पर ले सकते हैं। या फिर इसकी लाइव एग्जांपल, ये कोई हमारे पास ट्यूब लाइट बिलफर्ज है। इस ट्यूब लाइट को अगर हम थोड़ा सा करीब से देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ लेंथ वाइज नजर आएगा हमें सोर्स ऑफ लाइट। बट जैसे ही इस सोर्स ऑफ लाइट से हम अवे मूव करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, किसी खास डिस्टेंस पे जाके इसकी लेंथ एक पॉइंट के अंदर चेंज हो जाएगी। जब वो पॉइंट शो होना शुरू हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट फिर यूनिट चार्ज के तौर पर हम ट्रीट कर रहे हैं इसके साथ, ठीक हो गया जी। फिर हम बात करेंगे जी चार्जेस की, एज वी डिस्कस अर्लियर, लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज पॉजिटिव क्यू वन है और पॉजिटिव ही क्यू टू है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आर, तो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स आएगी वो कौन सी होगी, रिपल्जन की फोर्स होगी। मतलब के Q1 Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये, बट Q2 भी उतनी ही फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन फिर जी। मतलब क्या हुआ कि जितनी फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है उतनी ही फोर्स Q2 भी Q1 के ऊपर लगा रहा है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो भी हमारे पास सेम केस होगा, ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस r हो गया, ये नेगेटिव का q2, इनकी डायरेक्शन भी सेम हो गई। ये तो थे लाइक चार्जेस, हमने बात की लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब के पॉजिटिव का q1 हो और नेगेटिव का q2 हो तो क्या होगा, तो अट्रैक्शन होगी हमारे पास, तो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी, इनसाइड हो जाएगी। लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यही हमारे पास कूलम्स लॉ था। बेसिकली कूलम्स लॉ हमारे पास एक म्यूचुअल फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान, जितनी फोर्स एक चार्ज दूसरे के ऊपर लगा रहा है उतनी ही फोर्स दूसरा चार्ज पहले चार्ज के ऊपर भी लगाएगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बट ये किस केस में होगा, जब हमारे पास लाइक चार्जेस होंगे, जब अनलाइक चार्जेस होंगे तब डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं होगी, डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, फिर ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, सही हो गया। ये तो थी बात हमारे पास
कूलम्स लॉ की। अब हम बात करेंगे फोर्सेस की कि कौन सी फोर्स हमारे पास Q2 पे आ रही है, कौन सी फोर्स हमारे पास Q1 के ऊपर आ रही है। अगर हम बात करें फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाई Q1 तो फिर क्या आ जाएगी F21। सिमिलरली द फोर्स एग्जर्टेड ऑन Q1 बाई Q2 तो क्या कह देंगे जी हम F12। अगर हम इनको इक्वेशन में लिखें तो क्या आएगी इक्वेशन हमारे पास, F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। हम बात कर रहे थे इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सिमिलरली अब क्या करेंगे, अब ये तो थी हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यूनिट वेक्टर भी हमारे क्या होंगे, आर फोर्स 1 2 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R12 क्या एंड इक्वल टू फोर्स 2 1 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा R21 कैप। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे ऑपोजिट इन डायरेक्शन की वजह से साइन नेगेटिव लगाया था, यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये तो थी हमारे पास एक इक्वेशन और उसकी डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर्स। सिमिलरली अगर हम फोर्स की बात करें 2 1 तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ F12। सिमिलरली यूनिट वेक्टर R21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R12। अब अगर हम बात करें F21 की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K कांस्टेंट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये तो है मैग्नीट्यूड फॉर्म। डायरेक्शन के लिए हमने कहा था F21 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा वो R21 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा R21 कैप। सिमिलरली F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और R12 कैप। अब ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्म बन गई है एक वेक्टर फॉर्म फोर्स की, जिसके अंदर हमारा मैग्नीट्यूड भी आ गया और उसकी यूनिट वेक्टर भी आ गई, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी आ गई। अब ये तो था बड़ा सिंपल सा केस जब हमने फ्री स्पेस रखी हुई थी, किसी किस्म का कोई मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था बिटवीन द चार्जेस। अब अगर हम कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दें तो क्या होगा, लेट्स सपोज ये कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, कुछ फ्री स्पेस है कुछ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो क्या होगा, हमारी जो कूलम्स फोर्स थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी जो हमारे पास कूलम्स की, उस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी के हिसाब से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मतलब जितनी परमिटिविटी ज्यादा होगी उतनी फोर्स डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इस परमिटिविटी के लिए भी हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा हमारी अपनी इक्वेशन के अंदर। लेट्स सपोज हम एक जनरल फॉर्म लिखते हैं इक्वेशन की, एफ इज इक्वल टू 1/4πε₀Q1Q2/R2। ये तो था एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हमने कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है इस फ्री स्पेस के अंदर, तो हमें एक कांस्टेंट और इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा एप्सिलॉन आर। ये हमारा एप्सिलॉन आर क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ये भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास बुक के अंदर टेबल दिया हुआ डिफरेंट डाइइलेक्ट्रिक मीडियम्स की, वहां से उठा के हम यहाँ पे वैल्यू लिखे। ये जो एप्सिलॉन आर है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे हमारे पास एप्सिलॉन आर 8.85 समथिंग था, इसी तरह हमारे पास एप्सिलॉन आर की भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो जो वैल्यू हमारे पास एप्सिलॉन आर की है वो क्या है जी, 1.0006। अब इस वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट को भी यहाँ पे पुट कर देंगे, बाकी ये चीजें हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो हमारे पास के की एक कोई डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सही हो गया जी, ये था हमारा आज का टॉपिक कूलम्स लॉ। बाकी अगले लेक्चर्स के अंदर हम अपने बाकी के टॉपिक्स को भी क्लियर करते जाएंगे जी। शुक्रिया।